मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां हिमाचल परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा के साथ साथ सड़क सुरक्षा के संबंधित वर्ष 2024 और 25 की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में सड़क सुरक्षा के अंतर्गत 23.92 करोड़ रुपए की राशि परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न कार्य पर व्यय की जा रही है। विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के तहत विभिन्न हितधारक विभागों के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के परिणाम स्वरूप गत वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में 13% और मृत्यु दर में 14.6% की कमी दर्ज की गई है। उप मुख्यमंत्री व परिषद के अध्यक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा के तहत चल रहे विभिन्न कार्य एवं गतिविधियों को सभी हितधारक विभाग तत्परता से पूर्ण करें और इसकी नियमित तौर पर निगरानी और समीक्षा करना सुनिश्चित करें। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों विशेषकर पांवटा साहिब से ऊना में सड़क सुरक्षा संबंधी अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा समिति के अधिनियम व नियम तैयार करने के लिए जारी आदेशों के बारे में भी अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को सशक्त करने के लिए स्टाफ की कमी को दूर करने से संबंध में भी प्रस्ताव भेजा जाए।